Hello students, how are you? Today we are going to do the lesson number 13, that is from the book Understand and Communicate, book 3, that is for the 8th grade. The attack on Pearl Harbor. The Pearl Harbor, that is the seaport, and this is the story that happened in the Second World War in 1941. And that was the attack on Pearl Harbor during the Second World War, 1941, 7th December. It's the United States harbor, and the Japanese naval, they entered by chance in this area, and it was attacked by headquarters of US naval on the ship. तो स्टूडेंट्स, ये उस वक्त की कहानी है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी हो रही थी, तो जापनीज का जो शिप था, ये सबमरीन था, वो अचानक से ही दूसरे एरिया में आ गया, जो कि ऐसा एरिया था जो प्रोहिबिटेड था, जो जापनीज की एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं था. लेकिन फिर यूएस ने उसके ऊपर अटैक किया, और ये होल चैप्टर जो है वो होल स्टोरी जो है वो पर्ल हार्बर के डिस्ट्रक्शन को शो करती है. एंड लेट स्टडी द होल स्टोरी. इट सीम्स दैट फेट वाज ऑन द साइड ऑफ जापानीज. यूँ लगता है जैसे कि किस्मत जो है वो जापानी लोगों के साथ थी. एट 6:30 AM ऑन 7 December, अ स्मॉल जापानीज सबमरीन एंटर्ड अ प्रोहिबिटेड एरिया of Oahu and was sunk by destroyer and aircraft. And this was the time on 7th of December at 6:30 AM. ये time था कि जब जापानीज की submarine जो है वो एक ऐसे इलाके में चलेगी जो कि Oahu जो है वो, that is the area island in USA, तो वहाँ पर चला जाता है. तो उस वक्त जो US गवर्नमेंट है या US की जो नवाल आर्मी है वो उसको एज ए डिस्ट्रॉयर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है. एंड इट वाज द अटैक बाय द एयरक्राफ्ट. एंड द नवाल वॉच ऑफिसर वाज इन्फॉर्म्ड एंड इन हिज टर्न इन्फॉर्म्ड द चीफ ऑफ स्टाफ एट द पर्ल हार्बर. तो जो नवाल ऑफिसर है, जो उसका सबसे बड़ा हेड होता है आर्मी का, तो उसको वहाँ पर हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म किया गया. तो चीफ ऑफ स्टाफ जो था ऑफ पर्ल हार्बर का, उसने उसको वहाँ पर इन्फॉर्म किया कि बंदरगाह पर कि इस तरह से एक अनवांटेड जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई है, और जिसमें कि जापानीज का जो सबमरीन है वो एंटर हो चुका है. बट फॉर सम रीज़न नो जनरल अलर्ट वॉज गिवन. लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर कोई ऐसा कानून ना बनाया गया, या कोई जनरल अलर्ट, या कोई उनको ख़ास तौर पर कोई इतला नहीं दी गई. द मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल स्टिल इट्स अ फैक्ट दैट 7 AM द ऑपरेटर ऑफ प्रोबिनल डिटेक्टर स्टेशन आउट इन द पैसिफिक बिलोंगिंग टू द अमेरिकन आर्मी रिपोर्टेड अ लार्ज फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स अबाउट 210 kilometers फ्रॉम Oahu to east north east. So तकरीबन ठीक एक घंटे के बाद जो सूबाई जो प्रोविजनल हेड था जो ऑपरेट करता है जो डिटेक्टिव स्टेशंस को जो ऑपरेट करता है, जो कि ख़ास तौर पर उसकी जो है वो तांग चांग करता है, जो ऑपरेट करता है, और उसकी जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको वॉच आउट करता है. बट इन अ स्पेसिफिक बिलोंग टू अमेरिकन आर्मी रिपोर्टेड अ लार्ज फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स. तो उसने उनको इन्फॉर्म किया इन अ हेडक्वार्टर्स कि एक एरोप्लेन्स की एक लार्ज फ्लाइट आ रही है जो 210 kilometers Oahu से जो है वो ईस्ट की जानेब है. उसने पूरी डायरेक्शन भी उस Oahu जो हार्बर है, दैट इज़ अ पर्ल हार्बर आइलैंड में, तो उसके बारे में सारी लोकेशन भी बताई. एन आर्मी ल्यूटेनेंट डिसाइडेड द एरोप्लेन्स मस्ट ऑब्वियसली बी फ्रेंडली वंस एंड टुक नो एक्शन.
तो जो आर्मी ल्यूटनेंट मीन्स अ हाई ऑफिसर, एक आर्मी का हाई रैंक ऑफिसर जो होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, जो डिसाइड करता है कि अब क्या किया जाए. तो ल्यूटनेंट डिसाइडेड द एरोप्लेन मस्ट ऑब्वियसली बी फ्रेंडली वन एंड टुक नो एक्शन. तो कि अभी जैसे ही वो इनकी हदूद में दाखिल होगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. एंड अनयूजुअली क्लाउडी स्काई एडेड टू द जापानीज लक. तो जापानियों की ये लक थी कि जैसे ही उनका जो सबमरीन एंटर हुआ तो दैट वाज अ क्लाउडी एरिया, तो नथिंग वाज क्लियर ऑन दैट टाइम. अ रूटीन डॉन पेट्रोल ऑफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैड पास्ड ओवर एंड ओहू एंड रिपोर्टेड नथिंग. तो एक रूटीन में जो उनके अमेरिकन के एयरक्राफ्ट जो हैं वो मूव करते हैं और जितने भी आउटसाइडर्स जितनी सबमरीन है उनको वॉच करते हैं, तो उसमें ओहू जो उनका आइलैंड है उस पर रुकने वाले जितने भी सबमरीन थे उन्होंने उसको एक रूटीन में देखा और दैट वाज अ रूटीन वाइज द चेकआउट. एट 7:50 AM ऑन द संडे मॉर्निंग अ ग्रेट नॉइस ऑफ अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट वॉज हर्ड ऑन द ओहू एंड एट 7:55 द फर्स्ट बॉम्ब फेल. तो 7:50 पर संडे की सुबह थी, इतवार की सुबह को बहुत ज़्यादा शोर हुआ कि एक एयरक्राफ्ट ओहू के अंदर दाखिल हुआ और उसने बॉम्ब फेंका 7:55 पे और बॉम्ब फेल ऑन द सबमरीन. द लो लेवल बॉम्बर्स एंड द टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट अटैक द शिप इन द हार्बर एंड द नवाल इंस्टॉलेशन. तो बॉम्ब जो था ये टॉर्पेडो जो है दैट इज़ ऑल्सो अ बॉम्ब लाइक ट्यूब एंड दैट ट्रेवल अंडरग्राउंड. ठीक है, तो ये इस तरह की एक ट्यूब लाइक बॉम्ब भी होता है जो पानी में अंदर से ही अटैक करता है. तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी ही देर बाद जो जो इनके नवाल के इंस्टॉलेशन थे जहाँ पर उन्होंने अपने वो प्लांट किए थे तो उस पर हार्बर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया एंड द हाई लेवल बॉम्बर्स बॉम्ब द एयरफील्ड. तो बहुत ही भारी किस्म के जो बॉम्ब्स थे वो ब्लास्ट किए गए इन द एयरफील्ड एंड ऑल्सो होलुलुलु सम 11 किलोमीटर्स अवे. तो दैट इज़ ऑल्सो अ सी पोर्ट ऑफ USA एंड द अटैक्स वर फॉलोड बाय द फाइटर्स प्लेन. तो ये फाइटर्स प्लेन ने ये अटैक किए थे ऊपर से सबमरीन के ऊपर एंड फायरिंग द मशीन गन्स विद इंसेंड्री बुलेट्स. तो उन्होंने मशीन गन्स से हैवी मशीन से उसके ऊपर जो है वो फायर किए और बुलेट्स के साथ एंड पर्टिकुलरली एट द प्लेन ऑन द एयरफील्ड. तो पर्टिकुलरली इसके साथ ही उन्होंने प्लेन्स के जरिए भी एयरफील्ड में उन्होंने जो है वो अटैक किए. सम पॉकेट सबमरीन अटैक द हार्बर एट द सेम टाइम. सम पॉकेट सबमरीन से मुराद है कि जो इर्द गिर्द छोटी छोटी सबमरीन थी उन्होंने भी साथ ही उस बंदरगाह पर जो है वो हमला किया और वक्फे वक्फे से उन्होंने भी अटैक किया. एंड जस्ट एज देयर हैड बीन नो एडिक्वेट एयर और द सी पेट्रोल्स. तो वहाँ पर कोई मुनासिब पेट्रोल नहीं था, कोई सी पोर्ट भी नहीं थी. सो इनसाइड द पर्ल हार्बर नो प्रिकॉशंस अगेंस्ट द अटैक हैड बीन टेकन. तो उस पर्ल हार्बर में या उस बंदरगाह में वहाँ पर क्योंकि कोई एडिक्वेट सिस्टम नहीं था इसलिए जो कोई प्रिकॉशंस वो अडॉप्ट नहीं कर सके. एट द सेम टाइम वो उसको अवॉइड भी नहीं कर सके. वारशिप्स वर मूड एंड क्लोज वन अगेंस्ट द अदर हैंड एंड द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफिसर्स एंड द रेटिंग वर ऑन द लीव एंड मैनी स्लीपिंग अश्योर. तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सके सो दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स दे वर अपॉइंटिंग ओवर देयर सो दे वर डेड एंड द मैनी स्लीपिंग श्योर. तो वहाँ पर बहुत सारे जो थे वो इस तरह से मारे गए. अ सिमिलर पीस टाइम केयरलेसनेस परवेडेड एंड द हिकम आर्मी एयरफील्ड क्लोज टू पर्ल हार्बर एंड द अदर एरोडोमोस
ऑन द आइलैंड। तो ये एक केयरलेसनेस या लापरवाही हम इसको कह सकते हैं, जो परवेडेड का मतलब है जो प्रिवेल हो जाती है, फैल गई। एंड द हिकम आर्मी एयरफील्ड क्लोज टू द पर्ल हार्बर एंड द अदर एरोडोमोस द स्मॉल एयरपोर्ट्स, दूसरे जो साथी एयरपोर्ट से और उस आइलैंड के वक्त वो सब तबाह हो गए ऑन द पर्ल हार्बर। बिफोर द लास्ट अटैक, आखिरी जो हमला था उससे पहले, विच वॉज मेड एट 9 AM, विच मैट विद हैवी एंटी एयरक्राफ्ट, जो कि बहुत बड़े एक एयरक्राफ्ट ने जो है वो काम सर अंजाम दिया। एंड द नवाल गन फायर, जिसमें कि बहुत बड़ी जो नवाल गन थी जिसे फायर किए गए, द जैपनीज वर एबल टू स्ट्रेफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो जैपनीज वो थे कि जो अपने जो ऑब्जेक्टिव थे या उनके मकासद थे उनको वो स्ट्रेफ कर रहे थे, मसलन टू अटैक फ्रॉम द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो वो भी अटैक कर रहे थे डिफेंस में, लेकिन एक लोअर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के ज़रिए और ऑलमोस्ट विदाउट फायर। तो इस तरह के थे कि वो फायर भी नहीं कर रहे थे। एंड objectives almost without resistance and the aircraft were able to return to their carriers to refuel and to return to their attack. तो एयरक्राफ्ट जो थे वो इस तरह के थे कि जो ज़्यादातर वापस जा रहे थे और ज़्यादातर उसमें जो है वो अपने आप रिफ्यूल करने के लिए, इसको दोबारा से फिल अप करने के लिए फ्यूल को, वो अपने डेस्टिनी की तरफ वापस जाना चाह रहे थे। ऑफ द 8 बैटलशिप, जो आठवीं जो थी जो लड़ाई हुई, द एरिजोना, कैलिफोर्निया एंड उटा, दीज वर द प्लेसेस ऑफ द यूएसए। एंड टारगेट शिप वर सांक आउटराइट, जो जितने टारगेट शिप थे जिनको वो अटैक करना चाह रहे थे, दे ऑल वर सिंक इन द सी। ओकलाहोमा कैप्सीज्ड, ओकलाहोमा इज ऑल्सो सी पोर्ट, ये भी एक जो है वो सॉरी दैट इज़ एन एयरक्राफ्ट ऑफ द यूएस। एंड द कैप्सीज्ड का मतलब है पकड़े जाना, जो कैप्चर की गई शॉर्टली आफ्टर बीइंग बॉम्ब। एंड द नेवेडा वॉज सेट ऑन द फायर एंड पुट आउट ऑफ एक्शन फॉर द मैनी मंथ्स। तो जिस तरह से एक एयरक्राफ्ट जब काबू कर लेते हैं, जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको काफ़ी देर तक जो है वो उसको यरगमाल जिसको कहते हैं बनाते हैं, फॉर मैनी मंथ्स इट वॉज टॉर्चर्ड ऑन दैट टाइम। एंड द 3 अदर वर मोर और लेस सीरियसली डैमेज, लेकिन 3 अदर जो थे जो एयरक्राफ्ट जो थे वो इतने ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाए थे। कंसिडरेबल एडिशनल डैमेज वॉज डन टू द शिप, जो कंसिडरेबल डैमेज था, जिसको हम सबसे ज़्यादा नुकसान कह सकते हैं, वो एडिशनल डैमेज जो हुआ वो शिप का या सबमरीन का था। माइन लेयर वॉज संक, जो माइन लेयर इज़ ऑल्सो एन एयरक्राफ्ट, सो एक और जो जंगी जहाज़ था वो भी डूब गया। एंड 3 क्रूजर्स डैमेज, जो 3 जंगी जहाज़ थे जो हमला करने वाले थे वो भी दे ऑल्सो were damaged, and 2 destroyers sunk and another damaged, 2 destroy कर दिए गए और एक बिल्कुल ही damage हो गया या तबाह हो गया। so 2300 officers and men were killed and some 100 of the nearly 2000 wounded died later। तो इसमें 2300 ऑफिसर जो थे वो मारे गए और बहुत सारे जो थे हंड्रेड्स में थे नियरली जो के किल हो गए, ख़त्म हो गए। एंड द 2000 वूंडेड, तो इसमें 2000 के करीब जो थे ऑफिसर्स जो थे वो ज़ख्मी हो गए। द जैपनीज आर सेट टू हैव लॉस्ट द 60 एयरक्राफ्ट, द जैपनीज जो थे दोनों ने कम्पीट किया, कोशिश की, लेकिन वो 60 एयरक्राफ्ट जो थे उनके तबाह हो गए। एंड विल्स्ट द अमेरिकन्स हैड 173 डिस्ट्रॉयड एंड ओवर 100 डैमेज, जबकि अमेरिकन्स जो थे उनके
173 एयरक्राफ्ट जो थे वो तबाह हुए और 100 जो थे वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गए. सो दिस वाज़ द लॉस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड हाउ दे बॉम्ब द होल एयरक्राफ्ट एंड द वर्स्ट सिचुएशन दे हैव प्रेजेंटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. So students, let's do the word meanings now. Find out what each term means. Fate, ismat ko kehte hain, prohibited area, jo mana kiya hua ilaka hai, destroyer, khatam karne wala, the chief of staff, jo army ka head hota hai, general alert, jo general alert ka matlab hai ki koi khaas jo hai baat jo jisse agah kiya jaye fauj ko, detector station pata lagane wala, naval installation jo bahri jahaz hai uske submarine ko kehte hain, the pocket submarines jo chote submarines hai, and rating jo hai wo कहते हैं रेटिंग जिसमें मार्क्स दिए जाते हैं या अपग्रेड करना किसी चीज़ को. एरोडोमोइस हवाई जहाज़ को कहते हैं, माइन लेयर ये भी जहाज़ है, एंड क्रूजर्स दे आल्सो जंगी जहाज़. सो एमसीक्यूज वी विल डू, चूज द बेस्ट आंसर. एंड फेट वाज ऑन द साइड ऑफ द जापानीज मींस द जापानीज वर doomed to failure. So they were doomed to failure. In his turn means moving round to face another direction. Took no action means did not do what was required. And were able to strafe their objective. Could prevent the enemy from advancing. And was put out of action means was withdrawn from the service. So students, rest part of the exercise and the question answers I will do in the next video. Take care. Bye-bye.